देखो इस वीडियो में मैं तुम्हारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो उसकी मेंबर जो कि लिटरल गॉड है नारुतो एंड बोरुतो वर्स में, पर क्या तुम जानते हो कौन से बेसिकली पांच ओतुत्सुकी मेंबर्स हैं जो कि लिटरली सबसे ज्यादा पावर को होल्ड करते हैं पूरे एनिमे में। एंड एज यू नो ओतुत्सुकी के उनके पावर्स एंड एबिलिटीज का सामना कभी भी को एक नॉर्मल सा शिनोबी अपने पूरे लाइफ स्पैन में कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ओतुत्सुकी क्लैन जो कि एक एंशिएंट क्लैन है हॉर्न सेलेस्टियल बॉन्ड का, जिसे तुम इन सिंपल वर्ड्स एलियन भी कह सकते हो, जहां एक पैरासाइट बींग होने के बावजूद भी ओतुत्सुकी हजारों सालों से कॉस्मोस में ट्रेवल कर चुका है कॉस्ट टू सिंपली कैरी आउट देयर ओतुत्सुकी विल, जो कि बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत या प्रिंसिपल है जिससे क्लैन मेंबर्स लगातार इवॉल्व होते रहते हैं और एंड में जाके एक भगवान की तरह बन जाते हैं। बाकी बात करें लिस्ट में फिफ्थ रैंक में आने वाला ओतुत्सुकी मेंबर, वो है नन अदर देन दी मोमोशिकी ओतुत्सुकी, इन शॉर्ट मोमो। तो मोमोशिकी के फर्स्ट अपीयरेंस से ही सबको समझ आ गया था कि मोमो बस दिखने में ही भोला भाला बच्चा सा लगता है, पर है बड़ा हरामी वो। तो मोमोशिकी व्याकुगान को होल्ड करता है, वो बड़े इजीली व्याकुगान को येलो रिनेगान में कन्वर्ट कर सकता है, जहां किनिशिकी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो लिटरली नारुतो एंड सास्के को ही कॉर्नर कर रहा था। और यहाँ नारुतो एंड सास्के को एक साथ रोकना भाई कोई मामूली सी बात नहीं है कॉज ऑफ हिज एबिलिटीज, जहाँ वो अपने एक हाथ के रिनेगान से किसी भी टाइप के चाक्रा को एब्जॉर्ब कर सकता है, वही दूसरे हाथ के रिनेगान से वो एब्जॉर्ब किए गए चाक्रा को और ज्यादा पावरफुल बनाकर एफिशिएंटली अटैक कर सकता है, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि मोमोशिकी आखिर क्यों फिफ्थ पोजीशन की रैंक को होल्ड करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर फोर्थ पोजीशन। तो नंबर फोर्थ पे जो ओतुत्सुकी मेंबर है वो है द सेज ऑफ सिक्स पाथ होगोरोमो ओतुत्सुकी। एंड होगोरोमो ओतुत्सुकी को पूरे नारुतो सीरीज में बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है, और कागुया ओतुत्सुकी के बॉय प्रोडक्ट होने के नाते ही गॉट सम रियल बैडएस पावर्स, और यहां तक कि इसके पास ट्रेमेंडसली पावरफुल चाक्रा भी था और इसने कागुया जैसे पावरफुल ओतुत्सुकी तक को सील भी करा था। और इसके अलावा होगोरोमा की सबसे बड़ी एबिलिटी है द क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स, जैसा कि होगोरोमा किसी भी चीज को क्रिएट करने के बाद उसमें जान तक डाल सकता है, एंड इसी टेक्निक की हेल्प से उसने 10 टेल्स को एक्सट्रैक्ट करके 9 टेल्स को बनाकर उसमें जान तक डाली थी। तो नंबर थर्ड पे जो ओतुत्सुकी मेंबर होने वाला है वो है हम सबकी मॉमी, सॉरी बस होगोरोमा ओतुत्सुकी की मॉमी दी कागुया। एंड ये मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा बैडएस कैरेक्टर लगती है पूरे नारुतो सीरीज में, क्योंकि कागुया ही वो कैरेक्टर है जिसने पूरे वर्ल्ड पर चाक्रा का कॉन्सेप्ट चलाया था। कागुया वैसे तो अर्थ पर बस चाक्रा फ्रूट लेने आई थी, बट कागुया समय के साथ साथ इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान छोड़ इस अर्थ पर ही रूल करने लगी, जहां फोर्थ ग्रेड निंजा वार में कागुया ने सिंगल हैंडेडली नारुतो सास्के काकासी एंड साकुरा को बिना किसी दिक्कत के अकेले संभाल लिया था। और यहां तक कि कागुया अपने रीने सारिंगान की हेल्प से कई सारे स्पेस टाइम्स को मैनिपुलेट कर इंस्टेंटली उन सबके बीच में ट्रैवल तक कर सकती है एंड स्विच तक कर पाती है, और साथ ही साथ कागुया अपने रीने सारिंगान की हेल्प से वो इन्फोनाइट सुकियोमी तक को भी एक्टिवेट कर सकती है, जिससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि व्हाई कागुया इज बेसिकली लिटरल गॉड इन नारुतो। तो नंबर सेकंड में अब जो कैरेक्टर है वो है द वन एंड ओनली कागुया का एक्स पार्टनर इसीकी ओतुत्सुकी। बात करें इसीकी पावर की, तो इसीकी जब जिगन की बॉडी से फुली रिवाइव हो गया था तब उसने अकेले ही नारुतो एंड सास्के की चुटकी बजा दी थी, जैसे कि वो दोनों एवे कोई साइड कैरेक्टर हो, जहां इसीकी अपने दो जुत्सु की हेल्प से किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल तक श्रिंक कर सकता है। इसीकी अपने दो जुत्सु की पावर दाइको कुतेन की हेल्प से कहीं भी कभी भी बहुत बड़े बड़े क्यूब्स को समन कर अटैक तक कर सकता है। फिर इसीकी के पास और कई पावर्स हैं, जैसे कि सुकुनाई कोना, जुत्सु कैसन वाला सुकुना नहीं, बस सुकुनाई कोना, जिसकी हेल्प से वो फ्लुएंटली चाक्रा रॉड्स का यूज कर सकता है, जहां इसीकी अपने दूसरी एबिलिटीज से वो एक ऐसा डायमेंशन तक क्रिएट कर सकता है जहां टाइम फ्लो ही ना करता हो। वेल अब नंबर वन पे जो सबसे पावरफुल ओतुत्सुकी कैरेक्टर है वो है द गॉड ऑफ ओतुत्सुकी सिबाई ओतुत्सुकी। वेल सिबाई अभी बोरुतो में हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां बताया गया कि सिबाई बेसिकली कागुया इसीकी और बाकी ओतुत्सुकी से बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, जहां वो बाकियों की तरह एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाके चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम करता था ताकि वो और स्ट्रांग हो सके। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहां सिबाई इस लेवल तक पहुंच चुका था जहां वो एक्चुअल गॉड बन चुका था, जहां माना जाता है कि सिबाई अभी भी कहीं एक ऐसे दूसरे रेन में जिंदा है, और अगर वो इन केस अभी अलाइव है तो वो पूरे शिनोबी वर्ल्ड में एक खतरा है, क्योंकि सिबाई एक अलग तरह का जुत्सु सेन जुत्सु यूजर है, जो कि नॉर्मल गेन जुत्सु, नी जुत्सु, ताई जुत्सु से काफी ज्यादा पावरफुल एंड अलग है, जिसे बस गॉड लेवल कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं। तो इससे तुम्हें 100% बिलीव हो चुका होगा व्हाई सिबाई इज कंसीडर्ड एज ए गॉड लेवल कैरेक्टर, और आखिर क्यों सिबाई फर्स्ट पोजीशन की रैंक को होल्ड करता है। वेल गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। एंड अगर आज की टॉप 5 ओतुत्सुकी कैरेक्टर वाली वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वी आर वेरी क्लोज टू 3K माइलस्टोन, तो एज सून एज पॉसिबल जल्दी 3K करा दो। एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, पीस आउट, टाटा।